पॉलिटिक्स में आया हूँ, नॉन स्टॉप अफवाहों का दौर चल रहा है और भांति भांति की तरह तरह की अफवाहें जो है जनता के बीच छोड़ी जा रही है। मैं पत्रकारों को या टेलीविज़न को उसका जिम्मेदार इसलिए नहीं मानता क्योंकि सुनी सुनाई खबर हो या कहीं से ज्ञात पड़ा हो, उनका कह देना, छाप देना उनका अपना फ़र्ज़ है। सेट पे वो मौजूद है भी कि नहीं ये उनको कैसे पता। कहने वाली बात तो ये है कि ये सुनी सुनाई बातें कहते हैं और कोई भी कुछ कह देता है तो उस पर यकीन कर लेते हैं। ये बड़ी मैं आप लोगों का धन्यवाद मानूंगा कि मुझे आप लोग बोलने का मौका देते हैं, लेकिन आई फील कि ये कंटिन्यूसली इतना ज़्यादा हो रहा है। जबकि आप लोग देखिए, मैंने पॉलिटिक्स में जो है लगभग बैक सीट ली हुई, मैं बहुत आगे आगे नहीं चल रहा, मगर मेरे पीछे रहना भी खल रहा है कुछ लोगों को। सक्षम कोई व्यक्ति है, सक्षम व्यक्ति है, कौन है, क्या है, कहाँ कहाँ ढूंढें उसको, ये सब अपना, सॉरी फॉर लैंग्वेज, बट काम धंधा नहीं है अपना, ये अपना काम काम करना है। जब तक हम प्रसिद्ध रहेंगे, हम आगे रहेंगे, प्रचार तरह तरह के होते रहेंगे, मेरे साथ थोड़े ज़्यादा हो रहे हैं, मैं भी उनको ऐसा लगता है कि सहज रूप से वो मेरे साथ कुछ साबित कर देना चाहते हो। पहले पॉलिटिक्स में जब मैं आया तो मेरा नाम ले लेकर लोगों ने प्रोग्राम रखने शुरू कर दिए। वहाँ पर जब जनता मुझे फ़ोन करती थी कि सब आप पहुँचे नहीं, मैं बोला कहाँ, तो कहीं पहुँचना भी था क्या, तो कहने लगे नहीं नहीं यहाँ पर तो हज़ारों लोग आए हुए। मैंने कहा झूठी खबर है भाई, कोई पूछिए उनसे आपके पास मेरा कोई पत्र है, कोई किसी ने मुझे सूचना की है, कुछ ऐसा है। नहीं नहीं गोविंदा जी से कुछ कहा था, नहीं वो सड़क पे बखड़े थे, एक बार हमने आपसे बात की थी। बीच में ये भी खबर आई कि नर्मदा के लिए मैंने सलमान से बात किया, इट्स अ रॉन्ग न्यूज़, सलमान इज़ लाइक अ फैमिली, शी कॉल्स हिम चाचू एंड ही हैज़ हेल्प मी। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसको बार बार कष्ट दूँ, एंड ही लव्स मी। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपना प्यार उसको बोझ बना दूँ, सॉरी अगेन अ रॉन्ग न्यूज़, इट्स रॉन्ग ऑन माई पार्ट टू आस्क एंड डू। मैं कोई इस तरह से बार बार किसी को, खासतौर पे सलमान स्टूड बाय मी, सुनील शेट्टी स्टूड बाय मी, सोहेल खान स्टूड बाय मी, डेविड धवन स्टूड बाय मी, अक्षय कुमार स्टूड बाय मी, मे गॉड ब्लेस देम एंड द डे गॉड विल गिव मी अ चांस आई स्टैंड बाय, आई डोंट बोस्ट बट देन आई विल स्टैंड बाय इंशाल्लाह। कहने का मतलब ये है कि जिस पे बोझा है वो ऊँट न रोया, बोझा रोने लगा तो बड़ी दुख की बात हो जाएगी। ऊपर वाले का करम है, उसने हम लोग को सबको संभाल के रखा हुआ है। वी आर ऑल डूइंग वेल, गॉड इज काइंड।